सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे इस वीडियो में सड़क पर एक व्यक्ति दूसरे शख्स को कुल्हाड़ी से मारते हुए दिख रहा है। वीडियो में काफी हिंसा दिख रही है, जिस वजह से हमने इसे ब्लर कर दिया है। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो एक इस्लामिक देश का है, जहां एक मुस्लिम व्यक्ति ने गैर मुस्लिम व्यक्ति की हत्या कर दी। ये वीडियो इसी दावे के साथ सोशल मीडिया पर वायरल है। ऑल्ट न्यूज के व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भी इसकी जाँच के लिए कई रिक्वेस्ट आई है। तो क्या वाकई में ये वीडियो मुस्लिम व्यक्ति द्वारा एक गैर मुस्लिम व्यक्ति की हत्या करने का है? इसकी असलियत जानने के लिए ऑल्ट न्यूज ने रिवर्स इमेज सर्च किया। हमें कुछ आर्टिकल्स मिले जिसमें ये घटना मिस्र के इस्माइलिया शहर की बताई गई है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 30 वर्षीय अब्दुल रहमान डाबर नाम के एक शख्स ने 42 साल के मोहम्मद अल सादिक की हत्या कर दी। middleeast.in24.com ने बताया है कि पीड़ित व्यक्ति का नाम सादिक था और कथित तौर पर हत्या के पीछे का मकसद पीड़ित और आरोपी के मां के बीच अवैध संबंध था। यानी मिस्र में एक व्यक्ति की दिन दहाड़े हत्या का वीडियो सांप्रदायिक एंगल के साथ शेयर किया गया। हत्या की वजह आपसी विवाद था और दोनों पक्ष एक ही समुदाय से थे।